हेलो गाइस, वेलकम टू दबंग व्लॉग चैनल। और यारो, इस बार मैं हूँ लंदन में और मैं हूँ पुश क्रिकेट टूर के साथ, जिसमें से यार से हाय। तो हम हैं क्रिकेट टूर पे, बच्चों के साथ हूँ, अंडर 13 अंडर 15, बहुत मज़ा आ रहा है इनके साथ। तो अभी आपको दिखाते हैं, अभी इनका एक मैच हो रहा है क्योंकि हमारे पास डे ऑफ था, तो हमारा इंटरनल मैच हो रहा है, विच आई एम लविंग इट। अब आपकी बारी देखने की, आपको दिखाते हैं। और ये हो रहा है हमारा 7 ओवर का इंटरनल मैच, जिसमें होंगे 3 मैच। मजा आ रहा है, कौन सी टीम जीतेगी वो तो पता नहीं, बट हैविंग अ गुड टाइम। अभी प्लेयरों से सर से सबसे बात करेंगे, कैसा एक्सपीरियंस है इनका लंदन में खेलने का। मेरे को तो बहुत मज़े आ रहे हैं। विदित कैसा लग रहा है? अच्छा, बस अच्छा ही लग रहा है। बहुत अच्छा ये लंदन की अलग से फील आ रही है? नहीं आ रही? आ रही, बहुत बढ़िया। आनी भी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। ये तो आया, हमारे साथ हैं हमारे दूसरे कोच शिवम सर। जो इक्वली गाइड कर रहे हैं बच्चों को। बेस्ट पार्ट ये है कि ये मैच खेल रहे हैं और साइड साइड इन्हें गाइडेंस मिल रही है, व्हाट टू डू व्हेन, ये कब क्या गलती कर रहे हैं इनको साथ साथ बताया जा रहा है। कमाल की बात है, बहुत बढ़िया। क्या कैसा रहा ओवर? ये पहला ओवर है क्या लंदन में?
दूसरा मतलब आपको क्या फीलिंग आ रही है? बहुत बढ़िया। मैंने यार अभी तक ओवर नहीं डाला लंदन। और भी बच्चों से बात कर सकते हैं हम। मेरे साथ है एक कमाल का चैंपियन, आरफ चैंपियन। आरफ से पूछते, आरफ हाउ यू लाइकिंग इट ब्रो, लंदन में खेल रहे हो आप? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, क्या फर्क लग रहा है? मतलब पिच पे और स्विंग होती है और बहुत बाउंस होती है, बड़े अनप्रेडिक्टेबल है। पर इंडिया में थोड़ा लो बाउंस होता है और ज्यादा स्पिन होता है। तो यहाँ अच्छा लग रहा है। और वेदर? वेदर तो बढ़िया है, पूरे दिन खेल सकते हैं यहाँ। मैं भी, पर मैं बड़ा हो गया ना तो मैं खेल ही नहीं पाऊंगा। पर मेरी जगह तू रन मार लियो भाई। ठीक है। यस सर। ओके, तो अभी हमने बात करी आरफ से, आरफ को तो बहुत मजा आ रहा है। हमारे पास हैं कुछ और लोग जिनसे करते हैं बात, उनको कैसा लग रहा है? आपसे कर सकते हैं बात? वेल डन। सो वी हैव वन मोर क्रिकेटर है, कैसा लग रहा है? अच्छा। सबसे कौन सी चीज बहुत अलग लग रही है यहाँ? ग्राउंड। लंदन में खेल रहे हैं ना, तो ये लंदन आने से पहले कितनी खुशी थी? थी मैं तो सोया नहीं, पर मैं खेल भी नहीं रहा तब भी नहीं सोया। ये तो खेलने आए हैं यार, तो मतलब कुछ एक ऐसी बात जो आप बताना चाहोगे, जो आप आने से पहले की एक फीलिंग थी और यहाँ खेलने के बाद की एक फीलिंग। आप उन कुछ लोगों में से हो जो ये कह सकता है उन्होंने लंदन में बैटिंग करी है, मैं नहीं कह सकता, है ना? तो सबसे स्पेशल बात क्या लग रही है अभी तक यहाँ पे? चांस मिला है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि चांस मिला है। मेरे को 20 साल बाद चांस मिला है, पहले तो वीजा कट गया था। थैंक यू। अरे सर रहने दो। ये हमारे जीतू सर हैं। अरे सर, अरे ये एक्चुअली जीतू सर हैं। अरे सर, इनके पास वो वाला भी ज्ञान है जो हम लोगों के पास नहीं है। जीतू सर, जीतू सर आप ये बताओ, बेस्ट पार्ट सो फार? सर बेस्ट पार्ट क्या बताऊं, सारा ही बेस्ट है सर। मतलब अच्छा, तो आप जब आ रहे थे तो कुछ तो प्लान बनाए होंगे आपने कि लंदन जा रहे हैं, पहले आए हो? सर पहली खुशी तो यही थी कि बाहर जा रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, ये मैं मान सकता हूँ यार। एक होती है कि कोई सोता नहीं है, मैं सोया ही सोया हूँ। कहाँ सोया भाई, हमें तो नींद नहीं आ रही। मेरे को तो नींद नहीं आई, मेरे को तो बहुत नींद आती है। और यहाँ आ रही है? यहाँ आती नहीं है, यहाँ आती नहीं है, ये बात बिल्कुल सही। आपको बता दे कि यहाँ पे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, रात को 12 बजे सोते हैं, 4 बजे ऐसा लगता है फ्रेश, एकदम फ्रेश। मुंह पे धूप लगती है, मुंह पे धूप लगती है, ये तो मेरे को नहीं पता, धूप मेरे को लगी नहीं है, पर मेरे को 4 घंटे में ऐसा लगता है मैंने जन्मों की नींद पूरी कर ली। लंदन आए यार खेलने, तो कुछ ऐसी बात जो आप बताना चाहो जो किसी को अभी तक बताई नहीं है पर मन में अटकी हुई है कि यार ये तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इंटरनेशनल प्लेयर हो गए भाई, है ना? अब तो इंटरनेशनल प्लेयर हो गए ना सर। पेन में नहीं है क्या? ऑटोग्राफ ले लूंगा यार। चलो बहुत बढ़िया यार, खुशी दे दो। खुशी हो रही है? खुशी हो रही है बिल्कुल सर। यस मच सर, मैं तो अगला हूँ। ये तो अगला बैटिंग पे जा रहा है, ये भी उन प्लेयरों में से होने वाला है जो लंदन में बैटिंग करेगा यार। मैंने भी करी है पर मैंने पार्किंग में करी है। सर आपको कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा। सबसे अच्छा क्या लग रहा है? कि हम फाइनली ग्राउंड पे गए हैं। फाइनली आप ग्राउंड पे गए और आप खेल रहे हो। अभी आपका एक मैच था जो बारिश ने रद्द कर दिया है, वाली फीलिंग अच्छी है? नहीं बहुत गंदी है ना, वो भी बाहर आके। तो अब आप बैटिंग करने वाले हो, कितना रन मारने वाले हो? रन तो बचे नहीं है, 5-6 रन तो बाकी है। ओहो, तो अभी एक मैच हो रहा है अभी आपका। हाँ। तो आप खेलोगे? हाँ। तो हम ये जरूर बताना कि कैसा लगा लंदन में बैटिंग करके। हमारे साथ हैं दक्ष जिगानी, ये थोड़े से शाय हैं फिर भी मैं इनसे छोटी सी बात करूंगा, ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। कैसा लगा लंदन में बैटिंग करके? मैंने आपको रिकॉर्ड किया है थोड़ा थोड़ा। अभी तो ग्राउंड में खेला है।
पर लंदन में तो बैटिंग करी ना, और हर ग्राउंड ग्राउंड होता है, तो बेस्ट पार्ट क्या लगा अभी आपको सो फार लंदन? यहाँ पे बादल बहुत है तो आपको धूप कम लगती है? नहीं, धूप तो अभी भी है लेकिन छुप जाती है बादलों से। हाँ, कमाल की बात है। और स्कूल नहीं जाना पड़ रहा, सबसे बड़ी चीज। और क्या ये बात है। और लंदन का वेदर कैसा लगा? बहुत बढ़िया है। और क्या चीज़? अब आप जिंदगी भर ये भी कह सकते हो कि आपने लंदन में बैटिंग करी? बहुत बढ़िया। सो वी हैव वन मोर चैप। हेलो जी। हेलो जी, कैसे हो आप सब? मैं तो ठीक हूँ। तू ऐसे क्यों कर रहा है, जैसे बोर हो रहा? अरे बस ऐसे, अभी तो खैर साइडलाइंस पे बैठे हैं, बैटिंग के लिए वेट कर रहा था। इतने में ही नहीं खत्म हो गई। हमारे बैट्समैन ही ऐसे आउट ही नहीं होते सही में। ये पुश वाले बैट्समैन बहुत मुश्किल है आउट करने में, है ना? इतना भी मुश्किल नहीं, खैर मैंने तो आउट कर लिया। कैसा लग रहा है लंदन में? लंदन में अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अंदर एक्सपीरियंस है। यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा, दिल्ली से ज्यादा अच्छा मौसम है यहाँ। ठंडा ठंडा रह रहा है ना? बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे खेलने। एंड ये जो इतना लंबा दिन होता है यहाँ पे, उसका क्या? अरे यहाँ के सो यू लाइक दैट डे लॉन्ग? या यहाँ 10 बजे अंधेरा शुरू होता है, और आज तो वैसे भी 21 जून है, सो इट्स द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर एंड वी आर इन लंदन। तो आज हम देखेंगे दिन कितने बजे खत्म होता है। So, you liking it? I am liking loving it so far. अगर दोबारा ये लंदन ट्रिप हो तो आएगा? Most probably yes. Yes. अच्छा, हम कोशिश करेंगे हम दूसरे कॉन्टिनेंट में भी खेलें। है कि नहीं भाई? लंदन, हम क्यों आए लंदन? एक बार हो गया, दूसरे भी दुनिया में छाप छोड़नी है, जीतना भी है। नेक्स्ट स्टॉप ऑस्ट्रेलिया। पुरु सर देख रहे हो, डिमांड ऑस्ट्रेलिया तक आ गई है, तो हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। ओके। अच्छा तो मैं आपको बता दूं, मैं जितनी क्रिकेट यहाँ खेला हूँ तो मेरा फेवरेट बॉलर तो ये रहा, राघव द ग्रेट। इसने मेरे को एक ही बॉल फेंकी है, पर बहुत बढ़िया फेंकी है। एक ही फेंकी ना? हाँ। तो क्यों गया फिर? पर तू मेरा फेवरेट बॉलर है यहाँ पे। कैसा लग रहा है लंदन? हम अच्छा यूं बात करते हैं, लाइट आएगी थोड़ी सी। अच्छा लग रहा है। इसकी बेस्ट पार्ट यहाँ की हवा, दिल्ली से बहुत बेटर है। पॉल्यूशन ही नहीं है ना यार यहाँ, पॉल्यूशन ही नहीं है। ओ, मेरे को गोदी भी मिल गई राघव की। ओके, तो बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको यहाँ? सिर्फ यही लगा कि यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है। हाँ, और ये खेलने वाली फीलिंग कैसी है? अभी अभी खेला नहीं है। तो अभी आपने बॉल डाली है? बॉल डाली है। तो वो वाली फीलिंग बताओ ना, कि आप आए इंटरनेशनल, आपने कंट्री में यहाँ पे आके आपने बॉल डाली, वो व्हाट वाज दैट फीलिंग? और इंडोर नेट्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो अगर आप में अब यहाँ पे अगर आप कुछ चेंजेस सोच के आए हो कि आप लंदन में कुछ अलग से स्पेशल डिलीवरीज डालोगे, वो क्या है? ज्यादा आगे डालोगे ताकि स्विंग हो। सो यू लाइक, व्हिच इज योर फेवरेट डिलीवरी? गुड लेंथ। इधर आगे पहन ले। गुड लेंथ, सुपर। बट आई विल सजेस्ट यू गो फॉर योर पिच। ये तेरे बैट थोड़ी ना है। सो मैं भी अभी एक दो दिनों में हम और लॉर्ड्स में सेशन करेंगे या कुछ करेंगे। ट्राई फॉर योर क्रिश, आई ट्राई टू प्ले यू, आई रिक्वेस्ट। सो बट आई वॉन्ट टू टेल एवरीवन, ही इज माई फेवरेट बॉलर सो फार पुश क्रिकेट। सुपर स्पीड है इसकी, और था बॉल फेंकी इसने मेरे को, तो मैं तो एक ही बॉल पे इंप्रेस हो गया, बाकी तो खेलने की जरूरत नहीं है। सो ओके राघव, सी यू। तो हमारे साथ है पुरु सर, मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ, और वो बहुत खुश है, उनकी अपनी अपनी एक एक्साइटमेंट बनी हुई है। सर आपका सब वैसे तो रीज़न बहुत होते हैं एक ट्रिप के, आपका वो जो नंबर वन वाला पॉइंट होता है ना, बीइंग अ कोच, की यार आप लेके आ रहे हो, वो क्या है? तो मेरे लिए जो ट्रिप की एक सबसे बड़ी एक्साइटमेंट होती है वो ये है, बिकॉज दैट दिस इज़ द ओनली टाइम वेयर आई गेट टू स्पेंड टाइम विद दीज किड्स विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। जब इंडिया में होते हैं तो इज सो मच गोइंग ऑन, बिकॉज पुश एज एन ऑर्गेनाइजेशन डज लॉट ऑफ थिंग्स, तो सारा कुछ ना माइंड में चलता रहता है। बट वेन आई एम हियर, वैन आई एम विद द किड्स ऑन अ टूर, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। सो मेरे लिए सबसे बड़ी एक्साइटमेंट है बच्चों के साथ टाइम बिताना, बच्चों के साथ मस्ती करना, बच्चों के साथ मैच में आना। यू नो देयर इज सो मच टू लर्न इवन स्टेइंग विद किड्स, तो यही सबसे नंबर वन पॉइंट है। तो और हाँ, बहुत सारी बातें जो ना वहाँ पे नहीं हो पाती बच्चों के साथ, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता। तो सुबह से शाम तक बच्चों के साथ हैं, बच्चों के साथ क्रिकेट हो रहा है, उनकी बातें हो रही हैं, और क्या ही चाहिए लाइफ में।
ये बहुत कमाल की बात है। मतलब अगर मैं ये नॉर्मली किसी से पूछूं या अपने आप से भी जवाब दूं कि हम बच्चों को लेके लंदन आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे लंदन आए हैं, मैं नहीं आ पाया था 22 साल पहले, मेरा वीज़ा नहीं लगा था, बाकी सबका लगा था। तो मैंने बोला था ना, तो सर आपने मेरे को प्रॉमिस किया आप लेके आओगे, मैं आया। मेरा प्रायोरिटी रीज़न यही था कि मैं भी जो टाइम जो उस टाइम नहीं खेल पाया मैं अभी खेल रहा हूँ, पर उस टाइम भी सबसे कमाल की चीज़, सबसे पहला पॉइंट अगर मैं किसी से नॉर्मली सोचता तो वो ये होता कि यार बच्चों को एक्सपोजर मिले, ये पॉइंट हो सकता है। पर सर ये आपने बहुत कमाल की बात की है कि आप इनके साथ टाइम बिताना चाहते हो, आप इनको और जान लोगे तो और बेहतर इनको तैयार कर पाओगे, विच इज़ अ वेरी ग्रेट रीज़न। तो अभी बहुत सारे बच्चे और बचे हैं, हम सब उनसे बात करेंगे। थैंक यू सर, आपसे भी और एक दो चार बातें और जानेंगे, पहले बच्चों की बारी। तो बहुत सारे बच्चे रह गए अभी और उनसे पूछते हैं, थोड़ा सा ब्रेक बनता है ब्रो। बैटिंग आ गई, कितना रन मारेगा? एसजी का बैट दिखा दे सबको, बोलियो बड़े बड़े प्लेयर खेलते हैं एसजी के बैट से, मैं भी रन मारूंगा एक दिन। ये तू इसका एम्बेसडर बनना है तेरे को, तो आउट नहीं होना, मैच जिताना है, पूरा खेलना है पक्का। कैसा लग रहा है लंदन में बैटिंग करने से पहले बता दे सबको, सब देखेंगे बाद में। बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा, हाँ। गर्मी तो नहीं लगेगी, थकेगा भी नहीं, नॉन स्टॉप, हाँ। तो चल फिर हो जा शुरू, मेरे भी 10 रन मार दिए, मार देगा पहले अपने मारेगा मेरे मारेगा, फिर ठीक है बाद में मेरे मारेगा, तो पहले अपने मार फिर मेरे मारियो, ओके चलो ओके। सब खुश है भाई, सब खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ। अब नहीं हूँ, बैटरी उड़ गई। हमारे साथ हैं युवराज सेठी। युवराज सिंह तो रिटायर हो गए, युवराज क्या प्लान है, मजा आ रहा है, कैसा लग रहा है लंदन में खेलने में? वर्थ इट है, खुश टूर क्रिकेट? हां वर्थ इट है, वर्थ इट है बिल्कुल। क्या अलग लग रहा है? हां मतलब इंडिया से अलग है, काफी क्रिकेट अलग है, वेदर कंडीशंस काफी अलग है, स्विंग होता है, गुड एक्सपोजर। चलो ओके, तेरा तो हो गया ना आराम, और कुछ बोलना है पब्लिक को? बोल दे यार आरब, ये बहुत क्यूट है यार, ये बहुत क्यूट है यार, आरब कुछ नया बता दे यार। मेरा सेकंड ओवर बॉलिंग है, इसका सेकंड ओवर बॉलिंग है, लकी हिम, हाई फाइव। ओके ओके, खत्म थोड़ी होते हैं क्योंकि बच्चों इतने लाए थे हम भर भर के, खत्म ही नहीं हो रहे इंटरव्यू। जाए मैं तेरी गोदी ले लूं पैड वाली? हाँ यार मैं तो जबरदस्ती तुझे पकड़ा। देख मुझे सबसे पहले एक बात बता, ये हमारे साथ है जय। जय बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रिप, अभी तो शुरू ही हुआ है, बहुत सारी होंगी सो फार। ब्रेकफास्ट, यू लाइक ब्रेकफास्ट? लंदन का ब्रेकफास्ट क्या अच्छा लगा उसमें? सॉसेजेस, यू एंड मी, वो भी मेरे फेवरेट हैं, रहेंगे। और सब, और कैसा लग रहा है कि लंदन में आके खेल रहे? बेस्ट पार्ट की लंदन में आके खेल रहे? हाँ? लंदन में बेस्ट क्या लगा कि यहाँ आके खेल रहे? अब तू बैटिंग करने वाला, कितने रन मारेगा? मैं नहीं, हाँ। जीरो। तो कितने रन मारेगा? मैं? हाँ 101 मारेगा, सेंचुरी मार देगा ना? नहीं मारेगा, तो फिर 101 क्यों बोल रहे? मैंने तो अभी तो बोला 101 मारूंगा। मेरी टीम मारी है। अच्छा तो तू 101 में कितने मारेगा? 101 में कितने मारेगा? कैमरे में तो देखना यार, तू तो ऐसे कर रहा, पैड पहन लियो ना। अगली बैटिंग तेरी है? नहीं, फिर तो आराम से तैयार हो। हाँ ठीक है, फिर दो मिनट रुकना है, इतनी जल्दी क्यों पैड पहन? अच्छा बेस्ट पार्ट अबाउट, कितना अच्छा लग रहा है लंदन में खेलने आए? अच्छा लग रहा है। यू वॉन्ट गो बैक? यू डोंट वॉन्ट गो बैक? मेरे को भी नहीं जाना, खुला आसमान, नीला नीला आसमान, नो पॉल्यूशन, और क्रिकेट कंडीशन इतनी बढ़िया, पूरे दिन खेल लो राइट। तो तू अभी अगर ये अभी आपके मॉम डैड वगैरह फैमिली देखेगी तो आप उनको क्या बोलोगे? यू वांट टू से थैंक यू टू देम? यस आई वुड लाइक टू थैंक देम फॉर प्रोवाइडिंग मी सच अ ग्रेट ट्रिप, एंड आई वुड आल्सो वांट टू थैंक यू फॉर। वाओ, सो अगर इस साल तो हम यूके में हैं, वैसे तो हमें ये ज्यादा एंजॉय करना चाहिए, अगर अगली बार हम किसी कंट्री में जाए तो कहाँ जाना पसंद करोगे? इंडिया? नहीं यार, इंडिया में तो है ना हम, तो अगली बार जैसे हम लंदन आए खेलने, अगली बार कहाँ खेलने चाहोगे आप? जाओ इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह नहीं जाना? तो
तो यार तू डरता क्यों है? हाँ? तू डरता क्यों है? क्योंकि इंडिया से यूज्ड हूँ मैं। तो तू फिर बाहर कैसे सीखेगा? अगर प्लेयर बनेगा तो बाहर भी तो होंगे ना? तो बाहर ही होगा। हाँ तो अभी तो सीखना पड़ेगा ना, तैयारी तो बचपन में ही करनी पड़ती है ना, जब आप छोटे होते हो। बड़े होने की ये थोड़ी है जब आप बड़े हो गए। तो अगली बार आप कहाँ खेलना पसंद करोगे? दुबई। यू वांट टू प्ले यूएई? वाओ, तो आपकी स्पेशलिटी तो बताओ सबको। मैं बॉलर। ये बॉलर है। स्पिनर? नहीं, पेसर। तो जब तू बहुत बड़ा हो जाएगा तो तू कितनी स्पीड फेंकेगा? 130 तो तू नहीं फेंकेगा, तू 145 फेंकेगा कम से कम। पेसर है ना, 145 तो फेंकेगा ही ना बड़े हो गए। 130 तो यार कोई पूछेगा भी नहीं जब तू बड़ा हो जाएगा, इतना कंपटीशन होगा। यू हैव टू 150 नहीं फेंकेगा? अच्छा 135 एंड स्विंग बॉलर, परफेक्ट। सो यू लाइकिंग इट? यस। ओके, एवरीवन्स लाइकिंग इट। वी आर इन लंदन, से हेलो टू देम एंड बाय। आजा भाई। चला जा। तो मेरे ओवर में 2 वाइड गए और जो मैंने बॉल जो डाले हैं वो जो नॉन वाइड थे वो सब डॉट गए। डॉट गए तो मजा आया ना बॉल डाल के? हाँ। कोई खेल नहीं पा रहा ना आरोप। तो मेरे पूरे ओवर में बस 4 रन गए वाइड से। 4 रन वो भी वाइड थोड़े थे। तो कमाल की बॉलिंग डाली, दिल खुश हो रहा है। हाँ। तो डांस स्टेप कर ले कोई, कर दे यार। या! अक्षत 16 बोले 16 रन, क्या लगता है जीत जाएंगे ये? जीत जाएगा, बोल्ड मार रहा है। ओए होए होए, ये तो लूंगा मैं, ये तो नहीं नहीं सर, बैटरी नहीं है। कैसा लग रहा है? छक्का लगाया यार, छक्का मेरे 10 रन मार दिए ना, मजा आया छक्का मार के। दिल्ली जाके बोलेगा सर, दिल्ली जाके आप बोलोगे लंदन में छक्का लगाया, कैसा लगेगा सर आपको? बताओ सर, आपको किसकी जगह लेनी चाहिए? शुभमन गिल? एनर्जी पूरी है अर्नब में। सो अर्नब, यू आर इन लंदन, यू आर बैटिंग नेक्स्ट? यस। व्हाट इज द प्लान? आफ्टर यूवीवी। सो व्हाट इज द प्लान? आई विल हिट। यू विल हिट? या। एक्सपेक्टिंग हाउ मेनी सिक्सेस? 1 or 2। 1 or 2? या। कमिंग नॉट आउट? यस। ओके। अर्नब कैसा लग रहा है लंदन में? बढ़िया। मजा आ रहा है? हाँ। क्या फर्क लग रहा है? एटमॉस्फेयर अच्छा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। ठंडा ठंडा? ऑक्सीजन भी ज्यादा है। थकान लग रही? नहीं, थक ही नहीं रहे ना। हाँ। खुशी से नहीं थक रहे लंदन में या वैसे ही नहीं थक रहे? नहीं वैसे ही थक रहे। वैसे ही नहीं थक रहे। कैमरे में तो आया यार, तू कहाँ जा रहा है? कितनी एक्साइटमेंट है? बहुत सारी। ये तो हमारा इंटरनल मैच चल रहा है, दूसरी टीम आएगी तो क्या करेगा? तो भी हिट करके खेलूंगा। बता देगा ना? बहुत मारेगा ना? और अगला अगर कहीं हम जाएंगे ट्रिप पे तो तू कहाँ जाएगा? कौन से नेशन में जाएगा? अब बारी है नमित की। नमित बताएंगे कैसा लग रहा है? हेलो हेलो, कैसा लग रहा है लंदन? मजा आ रहा है। मजा आ रहा है?
क्या चल रहा है मैच में अभी? इनके 6 ओवर में है 25 रन। कैच ड्रॉप। मेरे पे भी इल्जाम आ सकता है क्योंकि मैं फोन पे था। ये जो अभी आपने डाई मारी, चोट वोट लगी क्या? लश ग्रीन। यस, कैसा लग रहा है लंदन? मजा आ रहा है। एक्साइटमेंट है अभी भी? आने से पहले ज़्यादा एक्साइटमेंट थी अभी है। अभी जो मैचेस बचे हैं ये तो इंटरनल गेम है, जब हम अपने दुश्मनों से खेलेंगे तो और मज़ा आएगा। अगर हम अगला ट्रिप कहीं जाएं लंदन के सिवाय तो यहीं आना चाहोगे या कहीं और चलें? कहीं और चलते। कहाँ चलें? ऑस्ट्रेलिया। मेरे को लेके जाओ। चलूँ ना मैं? And you want to thank anyone? Thank you to Bush. Thank you to Bush. No mommy daddy? Mommy daddy also. So you can say they might see the video. So thank you. Thank you mom and dad for saying this piece and letting me on this tour. It's a very great exposure and loving it. And loving it. So you can tell mom and daddy ये जितनी इन्होंने फीस भरी है वैसे उससे ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। मतलब हम जितने पैसे हमने भरे हैं आने के उससे ज़्यादा तो मज़े कर ही रहे हैं ना। सो वी डूइंग गुड। वर्थ इट। वर्थ इट। ओके। अरे भाई क्या सॉलिड शॉट मारा। मैं हूं अनमोल के साथ। इसकी खासियत बताता हूं, हम क्रिकेट खेल रहे थे तो मेरे को आउट करने के लिए पूरे पुश क्रिकेट ने अनमोल को लगा दिया। अनमोल को बॉल दो, अनमोल को बॉल दो, अनमोल को बॉल दो। अब बैट्समैन ऐसा होता कोई भी आउट कर दे। और मैं हो भी गया है ना। कॉटन बॉल। तो अनमोल ने मेरे को आउट कर भी दिया। तो अभी हमारे पास बढ़िया बैट्समैन को आउट किया है ना। तो अनमोल कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। आप जैसे बैट्समैन को आउट करके खुशी तो लंदन में एक अचीवमेंट तो हो ही गई। लंदन आना खुद अचीवमेंट थी। लंदन आना खुद अचीवमेंट थी। यहाँ पे आके मेरे को आउट कर दिया। तो यहाँ पे कितना मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। अभी तो 3 दिन और 10 दिन और मजे करेंगे। 10 दिन और मजे करेंगे। अभी बॉलिंग हो रही है और ये अनमोल ने मेरे साथ खड़े होने पे कैच पकड़ लिया। आधा भाई फटा फटा मैंने दिखा दिया। यहाँ पे कैश भी पकड़ लिया। मैंने वैसे रिकॉर्ड और मैंने वैसे रिकॉर्ड कर ली थी कैच। यस। तो अनमोल बेस्ट क्या लग रहा है यार? तू इधर आना, तू कहाँ जा रहा है? बेस्ट क्या लग रहा है? सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है। लंदन है। लंदन है, ठंडी ठंडी हवा है। दिल्ली लंदन कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर ही नहीं कर सकते। पीछे बादल देख रहा है कितनी बढ़िया है कि नहीं? दिल्ली में दिन में दिखेगी नहीं, दिन में बादल नहीं। ऐसी ठंडी हवा तो नहीं आने वाली, वो भी गर्मी होगी। बढ़िया लग रहा है। So, अगर हम अगले ट्रिप पे कहीं जाएं तो हम कहाँ, हमें कहाँ जाना चाहिए? इंडिया में नहीं, इंडिया में नहीं, कहीं पे भी चल लो। मतलब दुबई में भी चले जाएगा गर्मी में या ऑस्ट्रेलिया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया चलेंगे, मजा आएगा। मैं भी जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया। सो यू वांट टू थैंक योर मम्मी डैडी? यस, थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा, थैंक यू फॉर दिस ट्रिप। बहुत बढ़िया है, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। यस, थैंक यू अंकल, मैं भी मिला इससे। थैंक यू आंटी, कमाल का बॉलर है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा इसके साथ। पर कमाल की बात है, सही में झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सब ने मिलकर अनमोल को लगा दिया था मेरे को। ओके, सारी दुनिया मेरे से बात करने को तैयार है, शिवम सर नहीं कर रहे। मैं तो सर शिवजी की पूजा भी करता हूँ। मैं शिवजी नहीं हूँ। हाँ तो नाम से कनेक्शन तो बढ़ जाएगा सर। हम आगे लंदन हैं तो हम दोनों एक ही उस पर, क्योंकि खुशी हमें वैसे ही हो रही है क्रिकेट फैन की तरह। हमारी एज भी ऑलमोस्ट सेम ही होगी। मैं डबल होऊंगा, फिर भी हम दिख सेम ही रहे हैं क्योंकि मैं बहुत यंग दिख रहा हूँ। yes. सर आपका एक्सपोजर कैसा रहा? आप भी तो पहली बार आए हो ना? फर्स्ट टाइम है। आपने सोचा था लंदन आएंगे? हम सोचा तो मतलब था, बट लेकिन इस तरीके से नहीं सोचा। सोचा था कि क्रिकेट के लिए आऊँगा या वैसे आऊँगा। जब क्रिकेट छोड़ दिया तो नहीं सोचा था। सर अब इन बच्चों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? जब आप इनको दिल्ली में आप ट्रेनिंग करा रहे थे और अब ये लंदन में आपके साथ खेल रहे हैं, वेदर बहुत चेंज है। वेदर के हिसाब से बहुत अलग है, बहुत
तो ये आपको क्या इनके बीच में कुछ चेंज में दिख रहा है आपको? हाँ थोड़ा बहुत तो चेंज है, बट अभी एक लाइक पूरा मैच खेलेंगे तो कुछ और ज्यादा पता लगेगा। ये मैच अभी तो हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं एक तरीके से। अभी हम आपको बता दें हमारा इंटरनल मैच चल रहा है, हम बहुत फन कर रहे हैं, हम कंडीशन तो यूज हो रहे हैं और एक मैच खेलेंगे ना जब किसी दूसरी टीम के साथ तो पता लगेगा हमें कि यहाँ की जो। तो हमारा अभी लगान मूवमेंट बाकी है। हाँ अभी लगान लेना बाकी, लगान लेना बाकी है तो उनके लिए अच्छा एक्सपोजर है। हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा एक्सपोजर। आप कैसे देखते हो सर ये ट्रिप कितना इन सबके लिए कितना इम्पोर्टेंट? इस तरीके से देखता हूँ कि आप पहली बार आए हैं अकेडमी टूर से, क्या पता कोई लड़का खेलता है, कोई आगे आगे काउंटी खेलता है तो उसको फिर इतनी कंडीशंस के मामले में पता रहे हैं कि विकेट्स के मामले में पहले से आइडिया रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आगे के लिए। बिल्कुल पहले से प्रिपेयर है, पहले से रेडी है। बिल्कुल सही है, ये तो सब कुछ दिख रहे हैं आप। हाँ, अभी तो उनको मजे हैं पूरे पूरे और आप? नहीं यार मैं भी खुशी हूँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। और भी बच्चों से बात करनी, सर से हो गई, सर के साथ एक्चुअली मजा तो बहुत आ रहा है क्योंकि मेरे को लग रहा था यार शायद दो चार काम मेरे को करने पड़ेंगे पर ये काम तो सर खुद ही कर रहे हैं तो और क्या चाहिए। अरे यार चल सबसे पहले शुरू करेंगे, तू अपना प्यारा सा नाम बता दे। अनवेश, अनवेश गोर्जिया। कैसा लग रहा है? हम थोड़ी सनलाइट ले लें। बोरिंग है पर अच्छा लग रहा है। बोरिंग है? हाँ। क्या बोरिंग है? ये हम रोज ही करते हैं, कुछ नया नहीं लग रहा। कुछ नया नहीं लग रहा पर इस कंडीशन में खेल के? हाँ कंडीशन अच्छी है, वेदर अच्छा है, वेदर नया। तो अभी मेरे को ये इंटरनल मैच में भी इसलिए। हाँ कल मजा आएगा, कल असली जब हमारा लगान मैच टूर स्टार्ट होगा हमारा, जब हम लगान मैच खेलेंगे रंगियों को आ आएंगे फिर से। यस तो क्या प्लान है वहाँ पे, क्या करने वाला, क्या उम्मीद लगाई? जो उधर करते हो इधर करना, कुछ प्रेशर ना लेना। तो बैटिंग करेगा बॉलिंग करेगा? बॉलिंग, बैटिंग आगे करेंगे। आउट बॉल मारना पसंद है? बस विकेट मिल जाए, जैसे जैसे मिल जाए विकेट। पर फेवरेट विकेट कौन सी है? फेवरेट विकेट? हाँ मतलब बोल्ड ही होती है सब, बोल्ड और कॉटन बोल्ड, बोल्ड कॉटन बोल्ड LBW जिसमें फील्डर की जरूरत है। मजा तो मिडिल स्टंप उड़ाने का है ना? मैं भी बोल रहा हूँ मेरे को पता, तो तू चक दे बटे कर दियो, मजा आ रहा है। हाँ, अच्छा मैंने सबसे एक क्वेश्चन पूछा है तो तू मुझे ये बता कि अगली बार अगर हम कहीं किसी ट्रिप पे गए और दूसरे नेशन में खेलेंगे तो हम कहाँ जाएँ, हम कहाँ कहाँ बॉल फेंकना पसंद करेंगे? न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया? न्यूजीलैंड, रेयर आंसर किसी ने नहीं दिया है। और नयन तो बस कुछ बोलना ही नहीं चाहता, मेरे को देख के इग्नोर कर रहा है यार। कहाँ से? अरे नहीं कर रहा यार नयन, मुझे ये बता कैसा लग रहा है भाई? अच्छा लग रहा है। जो लगेंगे आवाज ही लगेंगे। कितना पसंद आ रहा है? बहुत अच्छा आ रहा है। जब आ रहे थे तो कितनी एक्साइटमेंट? बहुत एक्साइटमेंट थी। ये तो अब बढ़ गई, अब वो बढ़ गई या कम हो? सेम मोर और लेस। मोर और लेस तो मतलब है तो बहुत ज़्यादा ही ना? बहुत है। तो अभी क्या मन कर रहा है? तू पैड वैड ले रहा है, अब कितने रन मारने का प्लान है? जितने भी बचे मेरे लिए बनाने के लिए। कौन से डाउन करेगा बैटिंग? कितने छक्के लग रहे हैं? दो तीन दो वो मन में तो होता है ना यार, कितने छक्के? दो तीन चार पाँच, नॉट आउट आना है भाई, आउट ही नहीं होना इस ट्रिप पे। ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं? ऐसी आ रही है कि बॉल मतलब तू कितना मोटिवेट हो रखा है नयन, एनर्जी कहाँ है? कह रहा बैटिंग में दिखाऊंगा, बोल रहे है ना? और क्या बोलने में क्या रखा है, मैं तो करके ही दिखाऊंगा ना। सो नयन अभी मैंने पूछा था कि अगला हम नेशन में कहीं जाएं तो हम कहाँ खेलें, तो तेरे को ऑस्ट्रेलिया? यू लाइक ऑस्ट्रेलिया? बाउंस बहुत है पेसर्स के लिए, अच्छी पिचेस होते हैं वहाँ पे। तो तू मेन क्या करता है? बॉलिंग करता है? बॉलिंग करता है, फिर तो ऑस्ट्रेलिया ही होगा। तो तू तेरी फेवरेट विकेट कौन सी है, जैसे तैसे मिल जाए या मतलब बॉलर नहीं, तेरे को विकेट जैसे तैसे मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, या तेरे को बोल्ड करना पसंद है? बोल्ड ऑब्वियसली सबसे प्यारी विकेट होती है। और तेरी फेवरेट डिलीवरी कौन सी? यॉर्कर। मेरी वीकनेस है ब्रो ये, मतलब तू मेरे को फ्यूचर में कभी तो आउट आराम से कर ही देगा यॉर्कर मार के। चल यू वांट टू थैंक यू, थैंक्स एनीवन, जस्ट से थैंक यू मम्मी डैडी, थैंक यू मम्मी डैडी सर, थैंक यू बुरु सर, थैंक यू सोम सर। अब मम्मी डैडी को बोल तो दे अगली बार भी ट्रिप कटेगा तो मेरे को भेज देना, अगर अगली ऑस्ट्रेलिया में हो तो मुझे भेज देना प्लीज। आई एम हैविंग फन, बहुत मजा आ रहा है। हाँ ऑस्ट्रेलिया तो प्लीज़ अंकल आंटी प्लीज़ भेज देना, क्योंकि बॉलर के लिए तो पैराडाइज ही हुआ ना। और
एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? नो, ही इज हैप्पी, ही इज बिजी. सो चल तू बैटिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर, प्ले वेल, एंजॉय द ट्रिप. थैंक यू. ऑलराइट, बाय.